बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, आप लोगों के बीच परम आराध्य सद्गुरु कबीर साहब की एक पद के आधार पर कुछ विचार प्रस्तुत है। सद्गुरु कबीर का यह बहुत ही प्रसिद्ध पद है, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भई तब क्यों तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। तेरा साहेब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। कहें कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिल गए तिल ओले। सद्गुरु की इस पद के कुछ पंक्तियों पर विचार करें। गुरुवर साधक के मन की एक उच्चतम दशा की बात करते हैं। उच्चतम दशा के विषय में उल्लेख करते हैं। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हो जाए तो उसका बोलना बंद हो जाता है। अर्थात मन शांत हो जाए तो वाणी मौन हो जाती है। हजरत मोहम्मद ने भी कहा है कि जो दुनिया से उदास रहता है और कम बोलता है उसके शरण में जाना चाहिए, उसी से सच्चा ज्ञान मिल सकता है। जो दुनिया से उदास रहता है अर्थात समुच बूझ जड़ होए रहे, बलतज निर्बल होए। कहें कबीर तहां जाइए, कहें कबीर ता संत का पला न पकड़े कोई। ऐसे संतों का, ऐसे ज्ञानियों का माया रूपी बाजार में कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। जो अपने मन को शांत कर लेता है, दुनिया से उदास हो जाता है अर्थात अनाशक्ति की अवस्था में पहुंच जाता है, उसे फिर बकबक करने की आवश्यकता नहीं होती। वह किसी से लड़ता नहीं है, किसी से झगड़ता नहीं है, किसी से विवाद नहीं करता है। मन मस्त हुआ, मन के लिए कई तरह की बातें आती हैं। कुछ जगहों पर तो यह भी कहा गया है कि मन मूर्ख है, पाजी है, यही हमें साधना पक्ष से डिगाने वाला है, इसके अनुसार यदि चलेंगे तो हम पतित हो जाएंगे। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक,
तो अनेक जगह पर मन के लिए यह भी कहा गया है, किंतु यह विरोधाभास क्यों, इसके लिए भी सद्गुरु कबीर ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुंभ ही बांधा जल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान ही बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। कुंभ ही बांधा जल रहे, कुंभ मतलब घड़ा, घड़े में ही पानी ठहर सकता है, किंतु बिना पानी के घड़ा निर्मित नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार ज्ञान की मर्यादा में ही मन ठहर सकता है, किंतु बिना मन के ज्ञान भी नहीं हो सकता। यदि मन न हो तो हमें ज्ञान भी नहीं हो सकता। मन की उपस्थिति में ही हम किसी चीज का ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, ये जो बोलने की बात आई है, बोलना मतलब जो हम बोलते हैं वाणी के माध्यम से, तो इसके लिए भी दो इंद्रियों की आवश्यकता होती है, एक तो ज्ञान इंद्री और एक कर्म इंद्री। ज्ञान इंद्री है जीभ, और इसे ही बोलने के लिए मुख, ये कर्म इंद्री है। तो इन दोनों के मेल से ही हम बोलते हैं। तो यहां जीभ ज्ञान इंद्री है, लेकिन जीभ केवल होने से हम किसी स्वाद की ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे हम कोई मीठा खाएं तो उस मीठा का अनुभव तभी होगा जब हमारा ज्ञान जागृत होगा, जगा हुआ होगा, क्योंकि मन में ही वो अनुभव समाहित है कि जो ये स्वाद है, इस स्वाद को मीठा कहा जाता है। तभी हमें पता चलेगा कि हाँ ये मीठा है। मैं कह रहा था कि मन की अवस्था, मन की वो उच्चतम अवस्था जहां वाणी मौन हो जाती है, वो अवस्था हमारे साधना की परिपक्वता पर आती है। जब हम साधना करते करते एक परिपक्व स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब वह दशा आती है कि वाणी मौन हो जाती है। वाणी के मौन का मतलब यह नहीं है कि हम बोलना बंद कर देते हैं या किसी से बात ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। संत गुरुजन भी बात करते हैं, बोलते हैं, लेकिन संयम से। सद्गुरु कबीर ने रामायणी में कहा भी है कि बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। इस पूरे पद में सद्गुरु कबीर ने किस ढंग से हमें बोलना है और किसके साथ बात करना है, किसके साथ नहीं बात करना है, किसके साथ किस ढंग से व्यवहार करना है, सब कुछ बता चुके हैं। तो मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन को इस ढंग से मांझ लें कि हमारे अंदर वो स्थिति आ जाए,
हमारा मन उच्च स्थिति तक पहुंच जाए, कि हमारे अंदर जो आधापन है वो पूर्ण हो जाए। जैसे कोई पात्र हो, उसमें पानी आधा भरा हो तो वो छलकता है, आवाज करता है, किंतु वो जब लबालब फुल हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसके आवाज में गंभीरता आ जाती है। जो बोलते हैं हम वो सधे हुए विचार होते हैं। हम सब यहां रहने वाले जितने भी साधक हैं यह अनुभव ही करेंगे कि जो भी यहां रहते हैं, साधना करते हैं, उनकी वाणियों में और जो बाहर के लोग होते हैं जो संसार में विचरण करते हैं, संसारिकता में फंसे हैं, उनकी वाणियों में कितना फर्क होता है। वे बात बात पर गाली देते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, किंतु यहां रहने वाले हमारे संत कभी गाली नहीं देते। क्योंकि वो दशा आ चुकी है, वाणी में जो विनम्रता होनी चाहिए वो आ चुकी है। ठीक उसी तरह हमें अब अपने मन को भी परिमार्जित करना है, सजाना है, संवारना है। तो इस पंक्ति में सद्गुरु कबीर इसी बात को कहते हैं कि अपने मन को इतना सजा लेना है, संवार लेना है, कि जो अपने अंदर आत्मा विराजमान है वो हमें पहचान में आ जाए। जैसे शीशा साफ होता है तो चेहरा साफ दिखाई देता है, वैसे ही जब हमारा हृदय साफ हो जाएगा, हमारा मन मस्तिष्क एकदम साफ हो जाएगा, सुथरा हो जाएगा, तभी हम अपने आप का अनुभव कर सकते हैं, तभी वो उच्च स्थिति प्राप्त हो सकती है, तभी हम अपने जीवन को सुखमय और शांति के तरफ अग्रसर कर पाएंगे। तो मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन को सजाएं, संवारें और जिस पथ के लिए, जिस पथ में चलने के लिए हम आगे बढ़े हैं उसी में लगातार बढ़ते रहें, इसी में हमारी सच्ची सफलता है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।